स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए। जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे? चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ। अच्छा। और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा, एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है।
यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा, बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे? महाशय कोई बात नहीं है? मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। हाँ। मेरी सबसे बड़ी पूजा है। हाँ। नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना। परंतु माँ एक अपराध हो गया। क्या? मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना। बेटा नरेंद्र तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं। नहीं। और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक किया। माँ बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। उनकी रुचि सदैव आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में रहती। वे जब भी किसी साधु सन्यासी को ईश्वर या धर्म के संबंध में भाषण देते सुनते तो उनसे प्रश्न करते, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? परंतु उनके उत्तरों से नरेंद्रनाथ की संतुष्टि नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा, नरेंद्रनाथ तुम सो रहे हो? जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो तुम? क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे? हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा? श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? नरेंद्रनाथ तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं। नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा। प्रणाम महात्मन। जीते रहो पुत्र। महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले, पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए।
उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था, मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है। इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई। इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था, फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा, मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी।
उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।